Morning, everybody. Okay, how many of them? 51. How many? ठीक है. Okay. Let's see who are there. We are doing excretion today, right? बराबर ना? वही बोला था ना पढ़ने के लिए, excretion ही बोला था ना? Okay. I hope you have studied excretion and you are ready with your doubts so that we can solve them very quickly. ठीक है? Before I start, केयूर सर का लेक्चर आप लोगों को कभी होता है? थर्सडे, राइट? ओके. अपार्ट फ्रॉम थर्सडे, इफ केयूर सर इज नॉट एबल टू टेक द लेक्चर ऑन थर्सडे, व्हेन वुड बी पॉसिबल फॉर योर सैटरडे? इज योर फ्री ना? सैटरडे पॉसिबल है? नो सर, मॉर्निंग में फिजिक्स होता है और दोपहर को केमिस्ट्री. ओके. तो कौन सा डे फ्री है? आर्या, कांट हियर यू बेटा. हाँ आर्या बोलो. When do you have physics? Your voice is not coming through properly. Hitarth, physics कभी होता है? Hitarth? Sir, 11:30 से. कभी कभी. 11 ले. आज. Okay, ये वीक में मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे सत्येंद्र सर का है और उसके बाद महेश सर का है. Okay, chemistry कभी होता है? Chemistry every day till Monday to Friday, Saturday भी. कितने बजे? 2 to 4. ओके. सर, यू कैन टेक इट ऑन वेनेसडे बिकॉज़ लाइक एवरी डे वी आर हैविंग फिजिक्स एंड केम लेक्चर. सैटरडे वी विल गेट द टाइम टू प्रिपेयर फॉर संडे टेस्ट. सो वेनेसडे इज कंपैरेटिवली इजी आई गेस इफ एवरीवन एग्रीस. वेनेसडे वुड बी फाइन. सर को बोलूं मैं? वेनेसडे सर का 11th का लेक्चर होता है. तो तुम लोग ट्यूसडे आल्सो इज फ्री. ट्यूसडे इज फ्री. व्हाट टाइम? इन द आफ्टरनून? नो, मॉर्निंग. मॉर्निंग लेक्चर. मॉर्निंग. ओके, आई विल जस्ट आस्क हिम. वेट अ मिनट, जस्ट होल्ड ऑन. टुमारो 9 o'clock. गुड, चलेगा ना? आई एम कंफर्मिंग टुमारो 9 o'clock. इट्स ओके. सर, वी हैव केमिस्ट्री लेक्चर कितने बजे?
सर 11 बजे होगा और फिजिक्स लेक्चर भी है 7 to 9, 9:30 तक। तो 9 बजे सुबह लेक्चर ले रहे हैं सर, बैक टू बैक हो जाएगा एक दिन, कल एक दिन के लिए ना, मैनेज कर लेना। ओके है ना, कंफर्म करो मैं सर के आपको 9 बजे। ओके चलो आई कंफर्म। यस सर टुमारो 9 o'clock सर। या टुमारो 9 o'clock सर। ओके सर। ओके ओके बाय बाय। I spoke to sir. He just confirmed tomorrow 9 o'clock. Okay. I'll give him a reminder also. Okay. चलो तो ये हो गया। Yes. You can please raise your hands for your doubts or topics that you want to cover in escalation. Can please raise your hand, please. पलक, यस बेटा बोलो। सो दैट ऑर्निथिन साइकिल वाला पार्ट। ओके। एंड सर 14 पेज पे एक टेबल है, उसमें यूरिन कहाँ कहाँ हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक हो रहा है, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। 14 पेज नोट्स के 14 पेज पे। हाँ, नोट्स के 14 पेज पे। ओके, ठीक है। तनिषा। Yes, sir. I wanted you to explain the absorption part, like in which part of nephron, ठीक है, okay. श्रीपद। सर स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना रिगार्डिंग लाइक अ फुल टॉपिक की, लाइक विद इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, ये जीटीबी में गया है कि विद इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू एक्सट्रीम द सेम अमाउंट ऑफ nitrogenous waste increases, so ammonia is the most soluble, water soluble. हाँ। But 1 gram ammonia के लिए सबसे ज़्यादा पानी लगता है, 300 ml to 500 ml. Actually, it should be lesser, right? If it is more soluble. वो समझाने का। ठीक है, नियति। सर वो renin angiotensin ओजन एक बार explain, revise करा दो देखो। नेहा। So, वो हीमोडायलिसिस वाला नाम को एक बार एक्सप्लेन करा लो प्रोसेस। ओके वैष्णवी। सो आई हैड डाउट इन द लूप ऑफ पार्ट बिकॉज़ दे आस्क क्वेश्चंस की व्हिच हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोलैरिटी वेयर द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ओके सृष्टि। सृष्टि सर। So actually all the numerical values in the urine formation, the rate of filtration and the amount of blood entering and blood leaving, so I was getting confused in the values given in the NCRT and those given in the notes. NCRT rules. Sir, actually in the notes it was given 125 ml per minute and there was another value with 625 ml per minute, so I was not getting like what 625 is the amount entering, 125 is getting filtered, 1/5 gets filtered beta. Yeah and 625 is per kidney, so dono kidney mila ke 1100 to 1200 ho jayega, that is the value given NCRT. Yeah okay. That's why. Okay. Prakruti. Yes, so can you please explain the mechanism of concentration, the counter current? Okay, theek hai. Okay, just share my screen. Yes, Prakruti, can you see my screen properly? Yes, sir. Okay, Tanisha, Niyati, Shrishti, can please lower your hand. I have taken your questions. Okay. ठीक है। और
Shripad, you are talking about this table, right, Shripad? Yes. Okay. क्या क्वेरी है यहाँ पे बताओ मेरे को अभी सर अभी लाइक अमोनिया इज द मोस्ट वाटर सोल्यूबल स्टिल फॉर 1 gram ऑफ अमोनिया मैक्सिमम वाटर लग रहा है सो आई फाउंड दैट काउंटर इंट्यूटिव हाउ इज दैट लाइक इफ इट इज मोर सोल्यूबल देन इट शुड रिक्वायर लेस वाटर राइट क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा है ना भाई इसलिए अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक तो उसको नलीफाई करने के लिए वाटर ज्यादा लगेगा ना सोल्युबिलिटी फैक्टर किधर आ गया उसके अंदर Right, where do you get a relationship? Okay. Where do you get a relationship that is soluble है तो उसको कम पानी चाहिए dissolve करने के लिए, है कि नहीं? See, to release an excretory product, you have to nullify its toxicity. Understand that? And ureotelism में the toxicity goes on decreasing, so the amount of water required is less. So it's all about conservation of water. This entire table is based on excretory products based on habitat. Understand? हैबिटेट के हिसाब से उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट चेंज हो रहा है यूरियोटेलिज्म में वाटर का अवेलेबिलिटी कम है दैट्स व्हाई द अमोनिया व्हिच इज वेरी टॉक्सिक हैज टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ रिलेटिवली लेसर टॉक्सिक सब्सटेंस ओके इट्स ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर अमोनियोटेलिज्म में देयर इज नो पॉइंट अबाउट कंजर्वेशन बिकॉज इट इज अकरिंग ऑलमोस्ट इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज नॉट एन इशू ओके एंड हैबिटेट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रीशन ओके ठीक है श्रीपद Okay. Somebody spoke about ornithine cycle. Yes, somebody asked about ornithine cycle. Ornithine cycle, I'll show you one more diagram, which is a little more better. Oh God, what is this? It's making me. The diagram is not in this PPT. Bad luck. Just give me a minute. Okay, this is a much better diagram, which I was talking about, right, for ornithine cycle. Now, as ammonia, which is very toxic, right, it has to be converted into a lesser toxic product, which is urea, which happens in the liver. Now, what is to be removed is ammonia, right? So, ammonia and carbon dioxide, they come together to form carbamoyl phosphate with the help of this enzyme, carbamoyl phosphate synthetase. Carbamoyl phosphate synthetase. Right? So this is the enzyme. Right? So carbon dioxide and ammonia coming together to form carbamoyl phosphate, which is occurring in the mitochondria. You can see the pink wala part is occurring inside the mitochondria. The carbamoyl phosphate
combines with ornithine. Ornithine is an amino acid. In the presence of ornithine transcarboxylase, OTC, and forms citrulline. Right? Ye process. Can you see this is also occurring inside the mitochondria, this combination. And citrulline gets passed on to cytoplasm. So two steps, the first two steps of the cycle are occurring inside the mitochondria, right? And citrulline moves out. Citrulline combines with aspartate to form arginosuccinate with the help of enzyme arginosuccinate synthetase. Arginosuccinate splits, cleavage hoga uska. Right? Because dekho, enzyme is arginosuccinase. It will help to break down arginosuccinate into fumarate and arginine. Right? This fumarate will go to Krebs cycle. Okay? Krebs cycle mein na, fumaric acid becomes malic acid and then wapis cycle aage badega. Okay? Arginine will again split up. Dekho, enzyme is arginase. Into urea and ornithine. The ornithine goes back into the cycle again and urea is released, right? So a lot of time you are asked that urea banane ke liye kaun sa enzyme chahiye, and every time the students, they answer urease. No, it is not urease. Urease will be to split urea. Urea is made by arginase because it is by splitting of arginine, cleaving of arginine. That's why. So five steps are there in this process. Five steps. Step number one, carbamoyl phosphate ka formation. Step number two, citrulline ka formation. Step number three, arginosuccinate. Step number four, arginine. And step number five is urea with ornithine coming back into the cycle again. Right? This is a very good diagram, very simple diagram, highlighting all the steps as well as the enzymes also. ठीक है. Somebody had posed a question about ornithine cycle. Prakruti, आपने बताया था शायद मेरे ख्याल से ornithine के लिए. नहीं, question ही आपने बताया था. सर मैंने. हाँ, सृष्टि. बराबर ना? Clear है सृष्टि आपको ये? Yes sir. Okay, ठीक है. Nothing about the structure of nephron, right? For anybody? Anybody has problem with structure of nephron, please? Ye basement membrane wagara kuch structure of excretory system mein koi issue hai kya? Anybody has a problem with the structure, please? Nahin. Okay. What about histology? Anybody having an issue in histology, please? Nobody's given me questions on histology, so I assume it's known to you, right? Bowman's capsule, glomerulus, right? Podocytes, pedicels, foot processes. The filtration membrane is made up of three structures, right? These are podos. This is a podocyte. These are pedicels. This is the endothelium, glomerulus ka endothelium, efferent ka. And this blue structure is the basement membrane, which is between them. So these three structures make up the entire filtration membrane. Okay. PCT, histology, microvilli, right? Na? Brush border, loop of Henle, descending limb, ascending limb. Descending limb permeable to water, ascending limb permeable to salt. Right? DCT. DCT pe acha, if I can just have a small question. Functionally, what is the difference between PCT and DCT? Can anybody raise a hand to answer the question, please? Functionally. Yes, Palak? So PCT absorbs more things than DCT secretes. Negative absorbs, but major function secretion, tubular secretion mein DCT and... Okay. My question is, dono bhi absorb karte hai, dono ke absorption mein difference kya hai?
दोनों के एब्जॉर्प्शन में. यस वैष्णवी. अगर वॉटर एब्सॉर्ब करना है तो एडीएच करेगा, सॉल्ट एब्सॉर्ब करना है तो एल्डोस्टेरोन करेगा. कंडीशनल है वो, हॉर्मोन के इन्फ्लुएंस में है. राइट, वेरस पीसीटी पे कोई हॉर्मोन का इन्फ्लुएंस नहीं है. राइट, very important difference. Okay, so assume no doubts about what is structure, what is vasa recta, what are the two types of nephrons, right? A cortical nephron and a juxtamedullary nephron. Right, juxtamedullary mein it is near the junction. Right, juxtamedullary nephron has got vasa recta, whereas the same in cortical nephron it is peritubular capillaries. Ye purple structure dikh raha hai. These are capillaries only, but in a juxtamedullary nephron, it is more of the vasa recta. So reabsorption, concentration of filtrate in the vasa recta is more important than the peritubular capillaries. Okay, filtration. Mein. Somebody asked a question about the various pressures. I think so. Kisi ne pucha tha question. What are the various pressures? Right. The difference in the diameter of afferent and efferent leads to a pressure in the glomerulus, right? Which is called as the glomerular hydrostatic pressure, which is around 55 millimeters of mercury, right? Afferent ka diameter is bigger than the diameter of efferent, right? Usse yahan pe pressure create hoga. So this pressure, right, is responsible for glomerular filtration, which is now called as GFR, which is a value of, right now, 180 liters per day, right? But it has got two opposing pressures. Glomerular pressure has got two opposing pressures. One from within the glomerulus and one from the Bowman's capsule, right? Ab yahan par, this is blood, right? Ye blood hai, glomerulus mein afferent ka, ye blood hai. So blood में right काफी सारी चीजें यहाँ पे filter हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर you have plasma proteins also, right? So these plasma proteins have a size which is bigger than the fenestrae, जो arteries में छोटे-छोटे holes होते हैं, right? जो यहाँ पर हमने देखा, can you see this fenestrae, right? If you can see this fenestrae, everybody please, right ना? So, जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका साइज इससे बड़ा है. सो यहाँ ब्लड से ये पास नहीं हो सकते, बाकी सारा फ्लूड फिल्टर हो जाएगा, ग्लूकोज वगैरह सब फिल्टर हो जाएगा, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन दे कैन नॉट पास थ्रू, राइट? सो दे बाउंस बैक, राइट? सो व्हेन आई वांट टू फोर्स समथिंग इनटू अ, इट विल बाउंस बैक. सो ये बाउंसिंग बैक विल प्रोड्यूस दिस प्रेशर विच इज कॉल्ड एज बीसीओपी, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, विच इज कॉल्ड एज ब्लड colloidal osmotic pressure, right? BCOP, which is ki value is 30 millimeters of mercury. 30 millimeters of mercury. And the remaining thing, matlab initially 55 tha, ab 30 ho gaya. So 55 se 30 opposing aya, matlab ye 25 ho gaya. So 25 ke saath ye filter hona chahega. Lekin yahan par already urine hai, jo pehle se filter kiya hua hai. Wo usko oppose karega. So that is called as capsular hydrostatic pressure, CHP, which is the value is 15. So this value is 55 or uske do opposing values is 30 and 15. So a total of opposing value is 45. So if you minus 45 from 15, you get 10 millimeters of mercury. So the effective filtration pressure, EFP, final filtration pressure is 10 millimeters of mercury. The 10 millimeters of mercury is responsible for 180 liters per day of filtration. The 10 millimeters of mercury. So the idea of telling you is this, that agar koi reason se, koi bhi reason se, ye pressures mein difference aata hai, to uska fark jo hai, wo effective filtration pressure pe padega.
और उसका इफेक्ट जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे आएंगे, राइट, और वो 180 का फिगर ऊपर नीचे जा सकता है फिर, राइट. सो दीज प्रेशर्स आर वॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट. वेन यू से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इट इज फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर. द फिल्ट्रेशन इज प्योरली बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्रेशर्स, राइट. वन, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, टू, अपोजिंग प्रेशर्स नलिफाई होके इट बिकम्स 10 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, राइट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ 180 लीटर पर डे ऑफ फिल्ट्रेशन. ठीक है, सो दिस इज द प्रेशर, राइट. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट 625 एंड 125. इट इज 625 पर मिनट, उसमें से 1/5 गेट फिल्टर्ड एंड दैट गिव्स यू अ वैल्यू ऑफ 2nd step. यहां पर what has occurred is ultra filtration. So 180 liters, please, 180 liter का reabsorption is throughout the day. Right? ऐसा नहीं है कि 180 liters fluid बाहर निकल गया. It is throughout the day, continuous process है. And reabsorption also occurs continuously. Now, when this fluid passes into the PCT, right? Have a look at this diagram. Zoom in camera, disco. Right? Blue is indicative of reabsorption of water, and the yellow arrow is for indication of reabsorption of salt. So, what we are seeing here is in the PCT, you have reabsorption of water ions, amino acids, vitamins, right? Now, 75% of water is getting reabsorbed here, right? As a result of it, jab fluid reaches the descending limb, yahan pahunchega, ye area mein fluid pahunchega. So it will become isotonic, right? It will become isotonic. Now, when it starts its journey here, this is the descending limb. Descending limb is permeable only to water. Yahan se salt nahi jayega. Right na, Vaishnavi, you can just focus instead of putting through books, you can just listen, please. Okay, you have a question, Vaishnavi? I think you're looking for something. Vaishnavi? Yes, sir. You want to ask something? No. Okay. Okay. Now, descending limb is permeable only to water. Right? So, yahan se sirf pani niklega. See this blue arrow here. Ye pure segment se sirf pani aayega. Right? Soumya Mishra? Soumya? Soumya, please unmute yourself. Yes, sir. हाँ, ये पानी जाएगा किधर? Yes, sir. ये पानी जो बाहर निकल रहा है ना बेटा, दिख रहा है ब्लू एरो बेटा, देखो, कैन यू सी द ब्लू एरो? सौम्य, कैन यू हियर मी? यस सर. हाँ, तो वेयर इज दिस वाटर गोइंग? सर, दिस वाटर विल गो जी, स्वाति, ये पानी कहाँ जाएगा बेटा? वाजा रेक्टा में. बराबर है, राइट ना, मेडुलरी इंटरस्टिशियम से होते हुए वाजा रेक्टा में जाएगा. ठीक है, प्लीज.
सौम्या जी थोड़ा सा बेसिक्स पे काम कीजिए, राइट ना, पानी रीअब्सॉर्ब होके बॉडी में वापस आता है, रीअब्सॉर्प्शन होके कहीं और जाएगा नहीं. सो व्हाट हैपेंस इज पानी जब यहाँ पे फिल्ट्रेट जब यहाँ पे आता है तो वो आइसोटोनिक है. अब ग्रेजुअली इट स्टार्ट्स लूजिंग वाटर, राइट. अब वो तुम्हारा काउंटर करंट मैकेनिज्म वाला डायग्राम अगर आपके सामने है, राइट, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट पे जहां पर पीसीटी स्टार्ट होता है, सॉरी लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब स्टार्ट होता है, वहां पे उसकी वैल्यू है 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर. वैल्यू है 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर. यस मिस आर्या, इज द एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू? कैन यू सी द डायग्राम? हेलो. यस आर्या. यस सर. आर्या बोरडे, आई एम टॉकिंग टू आर्या बोरडे. Sorry. Yes, sir. Is the NCRT in front of you? Okay. Did you locate that diagram? Okay. Can you see the value of 300 milliosmoles per liter? Okay. Good. Okay. So as it starts going down, look at the value. It's increasing. Right now, 600 ho gaya, 900 ho gaya. Phir at the last U segment, it is 1200 milliosmoles per liter. नेहा से ना मिला आपको बराबर? Yes, sir. हाँ, इसका मतलब क्या हो गया कि फ्लूइड क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया या कॉन्सेंट्रेटेड हो गया बेटा? नेहा आई थिंक फ्लूइड इज अच्छा, मतलब बाबा, I am not asking you anything for rocket science. हाँ, कोई NASA के application का form नहीं भेज रहा आपको मैं. अरे किसी fluid में से पानी निकाल देंगे तो वो fluid concentrated हो जाएगा. आप पानी निकाल रहे हो. What are you doing? You all can't answer simple questions. क्या पढ़ा है आपने फिर? ओके, सो यहां से वाटर स्टार्ट्स गेटिंग रीअब्सॉर्ब एंड इट इज एट द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एट दिस. सो यहां पर इट इज हाइपरटोनिक. सो यहां पर वो आइसोटोनिक होता है, यहां पर वो हाइपरटोनिक होता है. नाउ द फिल्ट्रेट स्टार्ट्स राइजिंग अप इन द असेंडिंग लिम. असेंडिंग लिम जो है इट इज परमिएबल टू सॉल्ट. ये देखो येल्लो वाला एरो, इट इज परमिएबल ओनली टू सॉल्ट. मतलब यहां से सॉल्ट बाहर आता है, पानी बाहर नहीं आता है. तो किसी फ्लूइड में से अगर सॉल्ट बाहर आ गया तो वो फ्लूइड क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक हो जाएगा, राइट ना. डाइल्यूशन बढ़ते जाएगा क्योंकि पानी का अमाउंट बढ़ रहा है फिर यहाँ पर, राइट. अगर आप इसके बाद वाला टेबल देखते हैं, ये देखिए, लुक एट दिस टेबल. What is happening in PCT? Glucose, amino acids, vitamins, सब कुछ 75% of water, सब reabsorb हो रहा है क्या नहीं? तो ये क्या बन गया फिर? Isotonic. Descending limb जो है वो पानी से permeable है, solute impermeable. Right? तो कितना हो गया? Hypertonic at the bend. क्या value है hypertonicity की यहाँ पे? 1200 milliosmoles per liter. Ascending limb, right ना? ये वॉटर इम्परमिएबल है, सोल्यूट परमिएबल है. तो क्या हो गया? देखो यहाँ पर हाइपोटोनिक हो गया, हाइपोटोनिक हो गया यहाँ पे. सो यहाँ पर इट इज आइसोटोनिक, यहाँ पर इट इज हाइपरटोनिक, यहाँ पर इट इज आइसो अगेन बिकम्स हाइपोटोनिक. अब ये डीसीटी में जाएगा. दिस नाउ स्टार्ट्स गोइंग इन द डीसीटी, राइट. डीसीटी में इट इज फैकल्टेटिव. या तो ADH काम करेगा या aldosterone काम करेगा. And there is 15% reabsorption of water in the DCT. So it will now become hypertonic. So the resulting urine, which is going in the collecting tubule, collecting duct, क्योंकि यहां पर भी there is action of ADH.
So still 4% of water is reabsorbed. So yahan pe 75% of the water was reabsorbed in PCT. Yahan par 5% tha, 80 hua. Yahan par 15% hai, yahan 95 hua. Yahan par 4%, ye 99 ho gaya abhi. So 99% of the fluid from the 180 liters is reabsorbed in the system again. Right? That's why this reabsorption is very important. अगर ये reabsorption process इतना efficient नहीं होता, तो अपना body का water loss would have been more than what is regular, and then the body would have come into dehydration. Right? That's why I told the excretion is related to habitat. Right? And water conservation. जितनी पानी की जरूरत कम लगे, उतना ही अच्छा है excretion के लिए. Because वो तुम्हारे बॉडी के लिए पानी सेव करता है, ठीक है? Now in this diagram, look at DCT पे जो येलो और ब्लू वाला एरोज है. Can you see the border is dotted? Right? यहाँ पर बॉर्डर थिक है, यहाँ पर उसकी बॉर्डर डॉटेड है. डॉटेड इसलिए है क्योंकि इट इज वेरिएबल रीअब्सॉर्प्शन, बिकॉज इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन. देखो यहाँ पे लिखा है मैंने DCT में वेरिएबल रीअब्सॉर्प्शन. सिक्रीशन है यहाँ पर, राइट ना? सिक्रीशन PCT में भी है, सिक्रीशन DCT में भी है, रीअब्सॉर्प्शन PCT में भी है, रीअब्सॉर्प्शन DCT में भी है, राइट? इफ यू सी द NCERT का डायग्राम ऑफ रीअब्सॉर्प्शन, यू विल सी एरोज आर मार्क्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द PCT एंड DCT, सिक्रीशन ऑल्सो एंड एब्सॉर्प्शन ऑल्सो. ओके, सो दिस डायग्राम इज प्रिटी important as far as the second step goes. Sir, yes. Actually, I have Bolo. One doubt. Bolo, beta. Sir, if the person is suffering from diabetes insipidus, to us person ko frequent urination and dehydration ho jata hai, to unke body mein kya changes aati hai? Regarding this excretion. Diabetes insipidus kiski wajah se hota hai beta? Srishti Singh? Ye question Srishti Singh ne pucha tha? Nahin sir, maine pucha tha. Arya. Arya, yeah. To aap mujhe bataye na. Diabetes insipidus kiski wajah se hota hai? Sir, diabetes insipidus to I think insulin se related hai na. Dekho question hi clear nahi hai aapka. Nahin, sir mujhe pata hai lekin mujhe sirf janna tha. Nahin mera question hai diabetes insipidus kiski wajah se hota hai. Aapne insipidus ki baat ki na. अगर इंसिपिडस की बात की तो आपको पता होना चाहिए इंसिपिडस क्या है, इंसिपिडस किसकी वजह से होता है. आपने मुझे चेंजेस पूछे, मैं बताऊंगा आपको. बट व्हाट इज द कॉज ऑफ इंसिपिडस? ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन नहीं. इंसुलिन इज रिलेटेड टू डायबिटीज मेलिटस, नॉट इंसिपिडस. सर फिर आप ही बोल दीजिए, मैं भूल गई हूं. Insipidus is because of deficiency of ADH. Deficiency of ADH. Right? ADH ka kaam kya hai? Water ko reabsorb karna. Aur ADH nahi hoga, to water reabsorb kam hoga. Water reabsorb kam hoga, to water excrete zyada hoga. Iski wajah se urine kya ho jayega? Hypertonic ya hypotonic? Water ki amount badh jayegi urine mein, to urine hypotonic ho jayega. तो जितना ज्यादा यूरिन होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन ज्यादा हो जाएगी, उतना पानी का लॉस ज्यादा हो जाएगा, तो उतना प्यास ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इंक्रीज थर्स्ट एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, है ना? है ना तुम्हारा? व्हाट आर द टू सिम्टम्स? यस सर, है ना? इंक्रीज यूरिनेशन एंड थर्स्ट. इंक्रीज यूरिनेशन एंड थर्स्ट सर, तो फिर बॉडी उतना वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाती ना उसमें. हाँ, तो इसलिए अपने को पानी पीना पड़ता है. पानी का लॉस ज्यादा होता है ना, इसलिए. ओके, तो हमारी वाटर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्यास ज्यादा लगती है, तो हम लोग पानी ज्यादा पीते हैं.
गर्मी में क्या होता है अपने को आर्या? हमारा देयर इज अ लॉट ऑफ स्वेटिंग ना? यस सर। तो पानी का लॉस ज्यादा होता है तो हमको प्यास ज्यादा लगती है। ठंडी शुरू हो गई देखो तो स्वेट कम हो रहा है तो पानी का लॉस कम हो रहा है, मतलब द थर्स्ट डिक्रीजेस देन, है ना? ठीक है आर्या, ओके। एंड द लास्ट इज ट्यूबुलर। ओके, वी हैव टू पार्टिसिपेंट्स हु हैव रेज्ड देयर हैंड्स। ओके, सृष्टि सिंह प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। सर, लाइक वी नो दैट इन द पीसीटी देयर इज 75% रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, बट सर इन द एनसीईआरटी इट इज मेंशनड दैट द लूप ऑफ हेनले एंड द वाजा रेक्टा दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रीअब्सॉर्प्शन, व्हेयरएज लूप ऑफ हेनले मेंशनस 5% होता है। दे प्ले अ रोल इन कंसंट्रेटिंग द यूरिन, नॉट इन रीअब्सॉर्प्शन। They play a role in concentrating the urine. Srishti? Yes. Okay. So like what is written in the NCRT, is that wrong or like what do you consider that? क्या लिखा है वहाँ पे? So it is written that loop of Henle and vasa recta are playing an important role. Yes, yes, it's concentration only. Sorry. Okay. Thank you so much. Palak, your question please. So if we get both the options, मतलब question है कि in which condition does the urine is dilute and excessive urine, तो diuresis और जो diabetes insipidus उसमें से कौन सा mark करें? अरे वो same चीज तो है, diuresis मतलब excessive urination। हाँ सर, वही अगर दोनों option में आते हैं तो first preference किसको दे? वहाँ पे both the above भी रहेगा, right? Both A and B भी रहेगा, don't worry। Okay sir. So if you can ask me a hypothetical question, I can give a hypothetical answer also. Okay. So, मतलब ऐसे like ऐसे कुछ first preference नहीं है ना? They will give both of them, right? If such an option comes. अगर दोनों का मतलब same है, तो अभी. Sir, because it's like diuresis एक condition है ना, जो diabetes insipidus में हो रहा है. हाँ, you are Palak Jain, बराबर ना? Yes, sir. हाँ, right ना? The student's name is Palak Jain. उसका नाम Palak है, उसका surname Jain है, which is right. Both of them, na? Hai ke nahi? Okay, sir. Okay. Yeah. Satvik. Sir, वो diagram में दिखाया है कि osmotic pressure जो है वो loop of Henle और vasa recta के जो base पे वो सबसे ज्यादा है, ऐसा क्यों है sir? कौन से diagram में बेटा? Sir, हम लोग के NCRT में जो है उसमें 1200 मीटर ऑस्मोलैरिटी पर लीटर, 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, कैसे पढ़ेंगे उसको बेटा? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ऑस्मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट कंटेंट कितना है उसका, ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं मोलार कंसेप्ट? यस सर। हाँ, है कि नहीं पढ़ा है? एवोगाड्रोस नंबर वगैरह पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 1 मोल। यस सर पढ़ा है। हाँ हाँ, तो याद रखो वो। तो यहाँ से अगर पानी निकल रहा है बेटा, राइट ना, तो सोल्यूट कंटेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर। हाँ, तो सोल्यूट कंटेंट मैक्सिमम, जैसे यहाँ से उतरेगा पानी निकलते जाएगा तो सोल्यूट कंटेंट सबसे ज्यादा यहाँ पे रहेगा, इसलिए वैल्यू बढ़ा है। ठीक है, ओके ओके फाइन। सो ये लास्ट का है ट्यूबुलर सिक्रीशन, तो ये हो गया। यस सात्विक, अगेन यू हैव रेज्ड योर हैंड, यू हैव अ क्वेश्चन। ओके, कमिंग टू जक्स्टा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के अंदर इट इज a combination of cells, right? A special arrangement which is meant for increasing the blood pressure whenever it falls down. So it is a auto-regulation mechanism. Now, there are three components of this juxtaglomerular apparatus. Look at this diagram, friends, please. Look at this diagram. Right, can you see glomerulus here? Right, बड़ा करो डायग्राम। ओके, ग्लोमेरुलस है, ये पीसीटी है, राइट, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। सो कैन यू सी डीसीटी इज नियर द ग्लोमेरुलस,
सो इसका कट सेक्शन ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर. सो ये तुम्हारा DCT है और ये एफरेंट है, ग्लोमेरुलस है, ये इफरेंट है. सो सम सेल्स ऑफ द डीसीटी राइट, लुक एट दीज सेल्स. कैन यू सी दिस सेल्स? ये वाले, यस प्लीज, कैन यू सी दिस सेल्स प्लीज? आर दे डिफरेंट फ्रॉम दीज सेल्स? कैन यू सी द डिफरेंस? राइट, सो दीज आर मैक्यूला डेंसा. सो मैक्यूला डेंसा सेल्स बिलोंग टू DCT. DCT के कुछ सेल्स नियर द एफरेंट. सो आर दी सेल्स नियर द एफरेंट? ना, ये एफरेंट के सेल्स है. ठीक है, सम सेल्स ऑफ द एफरेंट विच आर कॉल्ड एज जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स. ना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स. So JG cells belong to afferent, macula densa belong to DCT. Can you see some cells between them now? Can you see these cells between both of them? These are mesangial cells. Mesangial, angia matlab vessel. Angia matlab vessel. So it एफ्रंट वेसल है, डिस्टल टिब्यूल वेसल है. सो दो वेसल्स के बीच में है, इसलिए ये सेल्स को बोलते हैं मेसेंजियल सेल्स. राइट, और ये जो मेसेंजियल सेल्स है ना, दे लुक लाइक अ लेस. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लैसेस सेल्स आल्सो. सॉरी, आई एम राइटिंग विद द माउस, आई डोंट हैव अ पेन राइट नाउ. राइट, दे आर कॉल्ड एज लैसेस सेल्स. द मेसेंजियल सेल्स are also called as lasis cells. Following everybody please. So ye jo pura apparatus hai, why it is called as apparatus? Because it is made up of three different cells. Ye tino mila ke ye pura cheez establish karte hai. Right, are you getting this please everybody? Yes, Drashti Moradia, samajh mein aa raha hai beta aapko? Samriddhi, understanding clear please? Okay, ठीक है. Okay, so three cells. ये तीनों cells किसके हैं? ये सबसे ज़्यादा frequently asked question यही है please. कि DCT को कौन belong करता है? Afferent को कौन belong करता है? ठीक है, so JG cells belong to afferent, macula densa belongs to DCT. Okay, अब what is flowing through DCT? Filtrate. What is flowing through DCT is filtrate. ठीक है, अब फिल्ट्रेट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट कैन बी ऊपर नीचे. राइट, अगर बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होता है, प्रेशर हमने कहां सीखा था? ग्लोमेरुलस में. राइट, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी होता है. लेकिन वो किस पर डिपेंड करता है? Difference in the diameter of afferent and efferent. Right? Efferent में blood आता है 625 milliliters per minute, ml per minute. अगर किसी reason की वजह से ये blood की amount कम होती है, तो blood का pressure वहाँ पर कम हो जाता है. अगर वो blood का pressure कम हो जाता है, तो efferent का pressure कम हो जाता है. उसकी वजह से जो 55 वाला pressure है, वो कम हो जाएगा. उसकी वजह से GFR की value जो 10 mm थी, वो कम हो जाएगी. और उसकी वजह से 180 लीटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी. सो GFR की वैल्यू कम होने की वजह से यूरिन कम प्रोड्यूस होगा. यानी अवर नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटपुट ऑफ द यूरिन. सो अगर ब्लड प्रेशर कम होता है, तो इसका सीधा इफेक्ट जो है वो यूरिन के आउटपुट पे जाता है. तो ये जो मैकेनिज्म है राइट, ये अपने ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल पे लाने के लिए. राइट, तो अगर किसी भी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड नाउ इन व्हाट इज द रीजन फॉर द ब्लड प्रेशर रिड्यूसिंग, वो हमारा टॉपिक नहीं है.
हमारा टॉपिक है कि अगर ब्लड प्रेशर रिड्यूस हुआ तो क्या मैकेनिज्म है उसको रेक्टिफाई करने के लिए. व्हाट इज द मैकेनिज्म टू रेक्टिफाई इट, राइट? नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप प्लीज. So if the amount of pressure of the blood is low, right? In response to that, right? ये जो cells है ना वो उसको detect कर लेते हैं. Macula densa उसको detect कर लेता है कि भाई इसका pressure कम है, fluid कम आ रहा है, flow कम हो गया है. Mesangial cells के through ये information जाती है juxtaglomerular cells को. और जैसे ही जक्स्टा के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है, जक्स्टा सिक्रेट करता है रेनिन. द जक्स्टा विल सिक्रेट रेनिन. ये रहा, देखो. सो अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई इज रेनिन सिक्रेटेड. रेनिन इज रिलीज्ड फॉर द सिंपल रीजन दैट प्रेशर कम हुआ है और जब प्रेशर बढ़ेगा तो रेनिन का सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगा. अब रेनिन क्या करता है देखो, लिवर से एक प्रो एंजाइम है, लास्ट में ओजेन है, मतलब इनएक्टिव एंजाइम है. एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन 1. एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2 with the help of an enzyme called as ACE. ACE stands for angiotensin converting enzyme. क्योंकि इसको convert कर रहा है ना, इसलिए enzyme का नाम है angiotensin converting enzyme, which converts 1 into 2, right? ये पूरे picture का hero जो है वो कौन है? angiotensin 2, right? Pressure को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना है वो एंजियोटेंसिन 2 करेगा, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज दैट रेनिन क्यों रिलीज हुआ था, क्योंकि यहां पर डिटेक्ट हुआ था कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, इसलिए रेनिन रिलीज हुआ ना से ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मलाइज कराने के लिए. एंड ये प्रोसेस चल रहा है, रेनिन से कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिनोजेन इंटू एंजियोटेंसिन 1. 1 is converted to 2 by means of ACE. ACE stands for angiotensin converting enzyme. And I told you the hero of the story is angiotensin 2. Right? Angiotensin 2 jo hai na, wo vasoconstriction karta hai. Yani ke pure arteries ko squeeze, uske aas paas ki jitni capillaries ya rahegi na chote chote vessels, usko squeeze karega. To squeeze karne se pressure kya ho jayega? Badh jayega. To ye uska direct tarika hai pressure badhane ka. या फिर वो NaCl का रीअब्सॉर्प्शन बढ़वा देगा, राइट? NaCl किधर रीअब्सॉर्ब होता है? टिब्यूल में, रीनल टिब्यूल, DCT में, राइट? उसका सो NaCl जब बढ़ता है उसके पीछे पीछे वाटर का रीअब्सॉर्प्शन भी बढ़ता है, राइट? ये देखो, सोडियम और क्लोरीन जब बाहर जाते हैं तो उसके साथ में बाहर कौन जाता है? वाटर, राइट? सोडियम और वाटर का बहुत गहरा रिश्ता है, राइट ना? सोडियम के पीछे पीछे वाटर जाता है, तो जैसे ही सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन करा है उसके पीछे पीछे वाटर भी रीअब्सॉर्ब होता है, और वाटर रीअब्सॉर्ब होने की वजह से बॉडी में वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम की वजह से उसकी प्रेशर बढ़ेगी और वो ब्लड प्रेशर को ऊपर करेगा, राइट? अगर ये पॉसिबल नहीं है तो वो एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करवाएगा, और एल्डोस्टेरॉन ये फंक्शन करेगा, ये रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम तो एल्डोस्टेरॉन का भी फंक्शन है. या फिर वाटर को रिलीज कराने, अब्सॉर्ब कराने के लिए ADH को रिलीज करवाएगा. ADH से वाटर का रिलीज DCT पे एक्शन बढ़ेगा, वाटर की अमाउंट ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगी, वाटर की अमाउंट ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगी, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा फिर ज्यादा वॉल्यूम होने से. सो ऑल दीज एक्शंस आर जस्ट मेंट सो दैट
इफेक्टिव सर्क्यूलेटिंग वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर बढ़ता है फिर उसकी वजह से, राइट। जैसे ही प्रेशर बढ़ा, देखो प्लस साइन है यहाँ पे, इमीडिएटली फीडबैक जाएगा, प्रेशर बढ़ चुका है, रेनिन के सिक्रीशन को आप रोक दो। तो जैसे ही प्रेशर ऊपर आ गया, रेनिन का सिक्रीशन बंद हो जाएगा, राइट। दिस साइकिल इज कॉल्ड एज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, राइट। दिस इज हाउ द बॉडी इज डूइंग ऑटो रेगुलेशन, इट इज ऑटो रेगुलेटिंग द एंटायर फंक्शनिंग, राइट। तो ये अपना ऑटो करेक्ट सिस्टम है। यस प्लीज, एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस पर्टिक्यूलर टॉपिक प्लीज, कि आपको समझ में आया बराबर से ये टॉपिक जी। Anybody? Any questions? You can please raise your hand for asking a question, please. The JG, हाँ बोलो। Sir, अगर question आएगा कि ANF is antagonist to, तो उसका answer aldosterone होगा कि ADH? आप मुझे बताओ। Sir, कल test में aldosterone दिया था, पर ADH also constricts the blood vessels, तो उससे blood pressure बढ़ता है, तो ANF decreases the blood pressure, तो ADH क्यों नहीं होगा answer? What does ADH do? Prevents diuresis and constricts the blood vessels to increase the blood pressure. Well, what is the question? ANF. What does ANF do, beta? ANF decreases the blood pressure. Dilates the blood vessels. Dilates the blood vessels. It decreases, right? Na? And answer kya diya tha? Aldosterone diya tha. Usme ADH bhi option tha. Haan. हाँ, राइट ना। मेजर रोल एल्डोस्टेरोन का है इसलिए, बिकॉज वो सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन कराएगा, राइट ना, और सोडियम की वजह से पानी बाहर आएगा फिर, इसलिए। ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है। सो यूरिन का कंपोजिशन है, वो तो आता है। सो दैट लीव्स अस विद ओनली काउंटर करंट नाउ, ठीक है। I have chosen to take a different diagram for counter current other than your diagram in the NCRT, right? Okay, so that leaves us with only counter current mechanism. Now, counter current ke liye this diagram, I find it more better than the diagram in the NCRT, because it gives us a proper view of the loop of Henle as well as the vasa recta, right? Now, this entire mechanism is for maintaining the concentration of urine, right? For which we need to understand that the cortex and medulla, right? The lighter portion is the cortex, the darker portion is the medulla. And these are the deeper parts of the medulla where loop of Henle ka U-shaped segment is situated, right? So the spaces in between them is the tissue of the medulla, right? So, vasa recta, descend, ascending loop of Henle के बीच में, यहाँ पर ये सब medulla का tissue है, और इसको कोई word हम लोग use करे तो, एक मिनट, हेतवी नायक, can you hear me? Hitvi? Yes, Hitvi? You are having internet issues suddenly. Okay.
Yes, Aman Gupta has answered correctly. It is medullary interstitium. Medullary interstitium. 1 minute. Okay. ठीक है, सो दिस एरिया इज कॉल्ड एज द मेडुलरी इंटरस्टीशियम. नाउ सो द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम दीज वेसल्स फर्स्ट गोइंग टू द इंटरस्टीशियम देन इन द वेसल्स, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सो व्हेन यू हैव एब्जॉर्प्शन, ये पूरा सिस्टम जो है वो चलता है दो चीजों पे से, एक NaCl, दूसरा यूरिया. वन इज NaCl, वन इज यूरिया. Now, if you look at the description of the NCRT, the flow filtrate in the two limbs of Henle's loop is in the opposite direction. So, यहाँ पर descending direction में है, यहाँ पर ascending direction में है. So the flow of fluid is in the opposite direction. This flow of fluid, ये एकदम नजदीक नजदीक है. Diagram में बहुत दूर दिख रहा है, वरना बहुत नजदीक है. So when you have fluid flowing in the opposite direction, lying close to each other, उसको बोलते हैं counter current. उसको बोलते हैं counter current. But if you look at vasa recta में ये efferent है. Efferent is continuing as vasa recta. यहाँ पर blood is in the downward direction, यहाँ पर blood is in the upward direction. So this is the second counter current. So first of all, understand why this system is called as counter current. Because the flow of filtrate, right na? Ek to Henle's loop mein aur dusra vasa recta mein. There are two counter currents. The proximity between Henle's loop and vasa recta, right? Because they are so near to each other. As well as the counter current in them, the flow of fluid in the opposite direction helps in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium. Right? Have we studied this? यहाँ पर osmolarity 300 है. जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो, deep medulla में जा रहे हो, तो यहाँ पर 600 है, यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 1200 है. So, ये किसकी वजह से होता है? इट इज बिकॉज के ये सारी स्ट्रक्चर्स बहुत नजदीक है और उन्होंने काउंटर करंट है. दैट इज द रीजन फॉर देम, राइट? इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी. ठीक है, फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर इन द कॉर्टेक्स टू 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर इन द इनर मेडुला. दिस ग्रेडियंट, राइट? Please, I am pausing to explain each and every word now, which is there in the NCRT. Right? जब चीजें low to high जाती है, हम लोग word gradient use करते हैं. Right? Now, so ये gradient जो है, it is mainly caused by NaCl and urea. Right? NaCl works in this circuit, urea works in this circuit. Right? क्या लिखा है देखो? NaCl is transported by, I am reading verbatim the NCRT to explain this, please. NaCl is transported by ascending limb of Henle's loop. Sorry. Yeah, sorry. NaCl is transported by. यहां पर है NaCl का, क्योंकि ये ascending limb है. Right? Ascending limb is permeable to only salt, impermeable to water. Right? NaCl. Can you see NaCl coming out of the system? Yani yahan se bahar niklega pehle, medullary interstitium mein aayega aur fir vasa recta ke descending limb mein jayega. Vasa recta ke descending limb mein jayega. Right? Kya likha hai dekho? NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop. Ascending limb of Henle's loop, which is exchanged with the descending limb of vasa recta. Descending limb of vasa. So NaCl ka exchange is between the ascending of the loop and the descending of the recta. Yahan se yahan ja raha hai, but through the medullary interstitium.
अब ये प्रोसेस कंटिन्यूस है, मतलब NaCl का प्रेजेंस तुमको हमेशा वन मॉलिक्यूल भी रिप्रेजेंट सेकंड वन, सेकंड वन थर्ड वन, यानी NaCl का प्रेजेंस तुमको हमेशा मिलेगा ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, राइट? NaCl, राइट? NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग पार्ट ऑफ द वाजा रेक्टम. NaCl यहां पे आएगा, यहां से इट इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पार्ट, राइट? अब लेकिन यहां से जो वॉटर जा रहा है, can you see this water? Right? Pani ja raha hai ki nahi yahan se? So who is responsible for removal of this water? NaCl. The second solute urea, that means yahan ka jo reabsorption hai water ka, it is more by NaCl. Ab yahan se right? फाइनल फिल्ट्रेट जा रहा है, तो यहां से यूरिया है पूरे फिल्ट्रेट में, राइट? यूरिया इज गोइंग अहेड नाउ, लेकिन यहां पर एडीएच का एक्शन भी है जिससे वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है. कैन यू सी दिस वाटर? यहां पर द एलिमेंट ऑफ वाटर ही था. नाउ यूरिया इज सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबिलिटी है, राइट? अमोनिया जितनी हाई नहीं है, लेकिन यूरिया इज सोल्यूबल. तो ये जो वाटर है उससे उसके साथ यूरिया भी बाहर आ रहा है. दैट्स व्हाई 100% यूरिया कभी बाहर नहीं जाता, सिर्फ 50% यूरिया बाहर जाता है, राइट? सो एक्सक्रीशन डज नॉट रिमूव 100% ऑफ यूरिया फ्रॉम द बॉडी, इट विल रिमूव ओनली 50%. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपका ब्लड चेक करेंगे और यूरिया का लेवल चेक करेंगे तो आपको थोड़ा अमाउंट ऑफ यूरिया मिलेगा, परमिसिबल अमाउंट, ठीक है? सो यहां से जो है यूरिया वाला वाटर आता है, और अब ये जो थिन पार्ट है असेंडिंग सेगमेंट का, ये सिर्फ वाटर सोल्यूबल या वाटर परमिएबल है, ये वाटर परमिएबल नहीं है. सो यहां से वो पानी अंदर जाता है, तो जो पानी के साथ में यूरिया है वो भी जाता है. सो यूरिया कीप्स ऑन रोटेटिंग और उसके साथ में वाटर कीप्स ऑन कमिंग आउट एंड गोइंग इन द बॉडी अगेन. सो ये सर्किट में योर NaCl इज हेल्पिंग टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन, उसकी वजह से पानी आ रहा है. ये सर्किट में इट इज यूरिया विच इज डूइंग सो. सो NaCl एंड यूरिया आर हेल्पिंग टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वाजा रेक्टा, एंड दैट इज नथिंग बट काउंटर करंट मैकेनिज्म, राइट? सो फर्स्ट इज अबाउट NaCl एंड सेकेंड इज अबाउट यूरिया. क्लियर प्लीज एवरीबॉडी? यस. काउंटर करंट मैकेनिज्म में NaCl और यूरिया वाला पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है. व्हाई इट इज कॉल्ड काउंटर करंट वो इंपॉर्टेंट है, राइट? और कौन से सेगमेंट से कौन से सेगमेंट में फ्लूइड जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, राइट? सो दैट टेक्स केयर ऑफ योर काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑल्सो. Somebody had posed a question of dialysis also. Just remind me who had asked this question about dialysis, please. So I have asked that. हाँ, क्या problem है dialysis में बेटा? So can you explain the entire dialysis? What do you know about dialysis? What is your idea about dialysis, beta? Who is this? Can you tell me your name, please? Sir, Neha. Neha. Yeah. Yes, Neha, can you tell me what is your idea about dialysis, beta? I'll explain you, don't worry. What is your idea, beta? So in dialysis, actually, the kidneys are failed, so nitrogen is waste started to get deposited into the blood, so they have to remove that thing and to... Okay, let's see somebody else's idea of dialysis. Mizan? Yes, Mizan, what is this entire process tumhare samne hai? Haan, to kya hai? What is dialysis? Sir, wo uremia ki wajah se blood mein urea. Exactly. Now see, Neha, you use the word kidney fail ho jati hai. Mizan ne ye word kya hai? Uremia. Right na? Kidney ka function jab alter hota hai na, beta. Right na? Kidneys fail ho gayi to bahut aage wala situation hai. Right? Progressively kidney fail ko bahut time lagta hai beta, right? So when kidney function is not proper, right, so the amount of urea in the
body starts to increase because urea is not getting filtered properly. Right? So you need a mechanism to artificially remove urea from the system. Right? So you need a structure which is resembling like a kidney to do that. So what you do is you allow the blood to go outside. Obviously, jab blood ko aap bahar nikalte to usme anticoagulant dalenge, and you allow to pass it through a dialysis solution. This green part is the dialysis solution. Usme se ek tube ja rahi hai aur ye tube porous hai. It is made up of cellophane. It is a porous tube, right? So your blood is passing. ऐसा ब्लड के जिसमें यूरिया का कंटेंट ज्यादा है, राइट? बिकॉज क्योंकि किडनीज जो है काम नहीं कर रही है, तो यूरिया कंटेंट इज मोर, राइट? तो ये जो डायलिसिस का फ्लूड है ग्रीन कलर का, राइट, दिस इज द डायलिसिस फ्लूड ग्रीन कलर का, इट इज द सेम एज प्लाज्मा, राइट? यहां प्लाज्मा जैसा ही कंपोजिशन है उसका, एक्सेप्ट के ब्लड में जो प्लाज्मा है उसके अंदर यूरिया का कंपोजिशन बहुत ज्यादा है क्योंकि ब्लड फिल्टर नहीं हुआ है, और यहां पर यूरिया जीरो है, ये आपने आर्टिफिशियली डाला है यहां पर बॉक्स में. सो यहां पर यूरिया का कंपोजिशन बहुत हाई है, यहां पर यूरिया जीरो है, मतलब एक ग्रेडियंट क्रिएट होगा, और ये ट्यूब की मेम्ब्रेन है, सेलोफेन ट्यूब की मेम्ब्रेन है, उससे डिफ्यूजन होगा क्योंकि यूरिया हाई लेवल पे है यहां पर, और यहां पर यूरिया जीरो है. Urea from this fluid through the porous semi-permeable membrane, it will go into the other side. इससे क्या होगा? Urea का filtration हो जाएगा और ये blood बाहर निकलेगा तो उसको आप वापस body के अंदर push कर सकते हैं. Right? This is a very simplest explanation I can give you about a dialysis box. Right? This is how you are purifying. Now, dialysis procedures are more complex. It involves a lot of processes. Right? जैसे अभी ये हीमोडायलिसिस है, अभी पेरिटोनियल डायलिसिस आ गया है. यस नेहा, हैव यू अंडरस्टूड प्लीज बेटा? यस सर. ओके, यस, आई हैव ट्राइड टू कवर एनी अदर क्वेश्चंस व्हिच आई हैव लेफ्ट आउट. आपका क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है प्लीज. राइट, वी टॉक्ड अबाउट आई थिंक एवरीथिंग दैट वाज आस्क्ड इन द स्टार्ट. राइट ना, जेजी अपैरेटस के बारे में बात किया, काउंटर करंट के बारे में बात किया हम लोग ने, स्टार्टिंग वाला पार्ट बात किया. ओके, यस प्लीज, एनी अदर क्वेश्चन व्हिच आई हैव लेफ्ट आउट प्लीज, एनी अदर क्वेरीज यू हैव कैन रेज योर हैंड्स प्लीज. यस आर्या, आर्यन सॉरी. सर, आई हैड आस्क्ड अबाउट गुआनोडालिज्म. ओह, आई एम सो सॉरी, आई स्किप, आई एम सो सॉरी बेटा. नो प्रॉब्लम. राइट, हां. Now, guanotelism is when guanine is excreted out, beta. Ye raha dekho, spiders, scorpions, they excrete guanine, hence they are called as guanotelic. Okay, sir. So we have these examples only. Yeah, yeah. Okay, this much only. But yeah, start. You should remember all this, huh? Please, protonephridia, kya hai? Flame cells, kya hai? Right now, and please link this to Kingdom Animalia. Please link this to Kingdom Animalia. Right now, बहुत important है to link this to Kingdom Animalia, क्योंकि वहाँ से examples उठा के फिर यहाँ पे question पूछते हैं लोग. Right? Malpighian tubules, oh, always remember it with respect to cockroaches. Right na? But cockroach is a part of class insecta. So jitne insects hai usme sab mein malpighian aayega. Theek hai? So please remember that small part. Hello, sir. Ji, Aryan, bolo. I didn't quite understand the function of Lacey cells. Lacey cell is just intermediate between to convey the information. Nothing else. Okay. Okay. Yes. Anything else, please? What do you cover next time? Right? Sir को convey कर दूंगा कि excretion हो गया है. Shall we do unit number 1, Plantae Animalia classification? So next time Plantae. ठीक है? Kingdom Plantae next time.
आई नो प्लांटे एनिमिलिया बहुत दर्दनाक टॉपिक है सब लोग के लिए. हाँ, प्लांटे एनिमिलिया का नाम सुनते ही एकदम थोड़ा सा ऊपर नीचे अनकम्फर्टेबलनेस आता है, राइट? स्पेशली एनिमिलिया. हाँ, नियति इज नॉडिंग, यस सर, एनिमिलिया, यू नो अस वेरी वेल. हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम. राइट, प्लीज रीड द एनसीईआरटी नोट्स अबाउट प्लांटे नेक्स्ट टाइम. प्लांटे बहुत छोटा है, राइट ना, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा. समृद्धि, यू हैव अ क्वेश्चन बेटा, प्लीज गो अहेड. Sir, you made some announcement about 9 AM tomorrow. So what was that? I couldn't hear. Keur sir's lecture, 9 AM. So for only tomorrow? For only this week. Only this week, because he has some commitment on Thursday. So he'll take it tomorrow 9 o'clock. Okay. ठीक है. ओके, थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग इन. नेक्स्ट वीक सी ऑल विद किंगडम प्लांटेड. पलक, यू हैव अ क्वेश्चन अगेन. सर, रीनल आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड पलक एक मिनट. दोज हु आर डन एंड वांट टू लीव आर फ्री टू लीव. प्लीज दे हैव सम अदर कमिटमेंट्स, दे कैन लीव प्लीज. ओके, जस्ट अ मिनट.